सुनो प्रोटेस्ट जेड़ा नोटेड होया प्रोटेस्ट सारी जगह गया सारी अखबारा भी लिया कई महकमा भी लिया कि इत्थे जेड़ा लोग अगेंस्ट है आई गल सर कई SHO भी आया कई सारे आए हैं DC मैडम को गए हूँ मैडम को भी पता चली गया कि इत्थे दे लोगों की परेशानी है हूँ एक दुकान तुसें सब्सटीट्यूट दसनी है उस उसते कागज़ तैयार कराने हैं तो फिर शिफ्ट होएगी एक कागज़ बना के आई है तो कागज़ बना के जाएगी एक करियाने की दुकान तो है नहीं है एक मिनट चुप रहे सारे ने पता की है ये अपने सरकार दी मेन फोकस के ऊपर है कम से कम भी 60% इसे गल्ला तो लगी दी है उन्हें पैसे कमाने ना ये जेड़ा राशन असीं दिया रहे गरीब ने साढ़े घर आ रहा श्रीनगर केक दुकान ही मिलिटेंसी है शराब दी एक होल्टी है घर घर नहीं चुकना है दो चौ दिन चुका ऐसा नहीं नुकसान हो गया ठेका इनके अभी तक मकान कच्चे हैं बिल्कुल कच्चे हैं जब जब बारिश होती है हमारी गांव में बारिश होती है तो उनके सर रखने के लिए जगह नहीं है इनके मकान आप चेक कर सकते हैं हम तो सरपंच है हमने तो लिस्ट में नाम दिया हुआ है PMA भाई के नाम लिस्ट में आए हो अभी किस आज आपका प्रोटेस्ट चल रहा है किस बारे में चल रहा है और ये औरतें बहुत ही परेशान हैं देखिए वाइन शॉप खुलती है अगर इनके पति कहीं शराब पीते हैं पता है सब लोग मगाई में जहाँ शराब पीने वाले हैं तुझे कहीं राशन लेने के लिए भेजेंगी औरतें तो उनके पति हैं वो राशन नहीं लाएंगे ये घर पे इनके बच्चे भी भूखे मरेंगे और ये खुद भी भूखे मरेंगे इनके घर वाले हैं जहाँ शराब पी के इधर ही पड़े रहेंगे घर में उनको कोई ये नहीं पता चलेगा कि हमारे घर पे आप क्या चाहते हो मगाई में वाइन शॉप खुले नहीं पीने वाले हैं वो पिएंगे कहीं से भी लाके मैं नहीं बोलती अगर मैं चाहती हूँ खुले बट जहाँ से मगाई ग्राम से नहीं खुलनी चाहिए क्योंकि हमारा इतना अच्छा आप खुद ही देख सकते हैं इतना अच्छा माहौल है वातावरण है जहाँ की लोकेशन आप गांव की देख सकते गांव में वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए मेरी LG मनोज सन्ना से यही रिक्वेस्ट है गांव में ऐसा मत करवाओ गांव में ऐसा दुष्प्रचार की लोग आपस में भिड़े भ्रष्टाचार करें वाइन शॉप एक साल के अंदर अंदर लगी है ना कितनी मौतें होंगी कितने मरने कितने बच्चे खराब होने कितने बच्चे की जिंदगी जानी सारी सारी जिंदगी मेरी खराब मत कीजिए हमें सरपंच चुना है हमें आराम से जीने दीजिए मेरी यही रिक्वेस्ट है बार बार फुलन जानी मैं कली जनानी रोनी हूँ जुमान जनानी है ठीक है जुमान मेरी कुड़ी है मेरा बराबर कल कोई मेरा बेड़ा जाइए बदतमीजी करो कोई जिम्मेवारी चुकी सकता है मैं कपड़े भी धोने माल भी चाहने डंगर भी चाहने लकड़ियां भी आननी है धारा का कोई नहीं दिंदा खर्चा मी सिलेंडर 1200-1300 दा कोई काय बढ़ना ए मेरी जमीन है कन्ने मैं थका बढ़ने भी होना फसल भी लेनी कनक मक्का भी लेनी आनी छोटे छोटे बच्चे ने मेरे स्कूल भी जाने मैं उनके बच्चे कन्ने स्कूल खोड़ी जाना मैंने कमाई करके खिलानी भी है जांदा कोई खिलाई नहीं सकदा है
अपनी अपनी जिम्मेवारी जा मेरे टब्बरे की जिम्मेवारी चुकन मेरे बच्चे पढ़ान मैं रास वोट पा रहे पढ़न उनका खर्चा देन मेरे बच्चे दोने का तो ठीक है मैं नहीं तो नहीं खुद ठीक है दुद्ध मैं गो रखी दी है बकरियां रखी मैं चारी चूरी है उनका गुजारा करनी उसके क्या इतना चलंत ले मथा टेकना चाहिए स्नान कराना चाहिए थोड़ा कराना माई का पानी खाना बोली बोली का पानी लेना सरपंच साढ़ा कन्या पंच की साढ़ा कन्या मेरी गल सुनो अपना बंदा साड़ा अपना भरदिया साड़ा अगर उसे दिया भैन इधर जानी उसे दिया मोरी जानी उसे दिया जल्द वो शराबी गाली कड़ते फोन लाइए सुन उनका घर लड़ाई लगी दी उनका घर गाला नहीं वाजिया उनकी फैमिली ठीक है जेडे गरीब बंदे न वह मरवा देन छोका जिम्मेवारी चुका है सारी नहीं होंगी छोका कौन है गरीब मावा भैन इन्हें कहते शराबे का मुंह ना दिखा उन्हें जल्द भी इतने जनानियां गई ना उन्हें सारे दिखना बहुत तकनी और लोगों इतना गाला कड़नी है शराब पीए मैं ये चीज दिखी दी है इतने लोगों डंगर भी चारने आनी है और तुम दिखा रहे इतना कोई और दुकान है कोई इस एरिया दो चार किलोमीटर के एरिया कोई दुकान नहीं है महाराज कुदर भैं इतने कलंक ला देना आनी है साढ़े उपर इस करिए बड़ा विरोध है साड़ी पेठी का और असें अठ दिन का टाइम दिने अगर ऐसा नहीं होया तो इतने वाइन शॉप असें नहीं खोलन देनी है तुस मतलब कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जी है मेरी आवाज की सुनी लै और ये सारे लोग जड़े ने कसम खाधी दी है कि असें अपने ग्रां दे विच गंद नहीं पाउण देना और अस एकजुट होइए इस चीज़ का मुकाबला करने तैयार हाँ जय हिंद जय भारत।